नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों आज मैं आपको अपने टेरेस पर लगे हुए फ्री के प्लांटर और जो है उनमें हो रही ब्लूमिंग और सब्जियां और क्या क्या चीज़ चल रहा है ये सब दिखाऊंगी। सबसे पहले देखिए ये रोज जो मैंने कटिंग से खुद तैयार किया हुआ है और कितने सुंदर बड़े बड़े फ्लावर्स खिल रहे हैं। रोज़ की कटिंग जो है इस समय जिसने भी लगा रखी होंगी पहले से, तो ये लास्ट ईयर लगाई थी, लास्ट ईयर से कटिंग लगाई थी जब छोटे फ्लावर हुए थे। उसके बाद इस साल जो है इसमें अच्छी तरह से आप जो है केले की खाद दीजिए, चाय पत्ती का जो आपके घर से निकलता वेस्ट है वो डालिए, तो ऐसे ही ब्लूमिंग होगी। टेरिस पर तो बहुत अच्छी धूप, क्योंकि रोज को विंटर की धूप बहुत पसंद होती है। तो देखिए इनके फ्लावर के साइज, तो मैं जो है बहुत सारे मैंने रोज के प्लांट, कुछ सब्जियों के और कुछ फूल लगा रखे। अब दिखाती हूँ मैं आपको, खुद मैंने तैयार किए हुए एनिमल क्राइसेंथियम कितने सारे तैयार कर रखे हैं। कुछ पर ब्लूमिंग होने लग गई है और कुछ ब्लूमिंग की तैयारी पर हैं, तो सारे मैं ऐसे बताती हूँ। देखिए ये देखिए कितने सुंदर, अपना काम हमारा तो चल ही रहा है, तो कीड़े जो इंसेक्ट आते उनका भी काम चलता है। तो इस तरीके से बहुत सारे एनिमल क्राइसेंथियम गार्डन में ब्लूम होने लग गए हैं। एनिमल क्राइसेंथियम सर्दियों का ऐसा पौधा है दोस्तों, इसके बिना गार्डन अधूरा लगता है। इतने ज़्यादा ब्लूम होते हैं इसमें, बहुत कम केयर में कैसी भी सॉइल में आपने लगा दिया हो तो अच्छी तरह से ब्लूम करते हैं। दोस्तों मेरे गार्डन में जो है यहाँ टेरेस पर बिल्कुल भी 99% प्लांट मैंने खुद तैयार किए हुए हैं। इसके अलावा जो भी यहाँ पर प्लांटर हैं वो भी आपको कट्टे मिलेंगे यहाँ पर। यहाँ पर जो है कनिस्तर मिलेंगे, देखिए कनिस्तर दिखाती हूँ। ये देखिए कनिस्तर में ये मेरा कटिंग से लगा हुआ गुड़हल, देखिए कनिस्तर में तैयार हो रहा है। कनिस्तर मिलेंगे, इस तरह कट्टे मिलेंगे। जब इन कट्टों में मैं अपने गार्डन का ही वेस्ट डालकर और जो है किचन वेस्ट डालकर उन्हीं से ही जो है खाद बनाकर अपने सारे प्लांट, जब मेरे ये प्लांट सूखते हैं दोस्तों, ये भी कोई बाहर में नहीं फेंकती हूँ, इन सबको भी मैं किसी न किसी कट्टे वगैरह में भरकर, किसी बैग में भरकर, किसी कनिस्तर में भरकर ऐसे ही रख देती हूँ। ऊपर से मिट्टी डाल देती हूँ, कुछ दिनों के लिए छोड़ देती हूँ, फिर उनमें कोई प्लांट लगाया जाता है। तो उसकी बात ही हो, एक तो फ्री की सॉइल मिलती है हमको, उससे वो बहुत उपजाऊ होती है, हल्की होती है और हमारे पर्यावरण के लिए भी अच्छी होती है, क्योंकि जो चीज़ हम बाहर फेंक रहे थे इधर उधर फेंकते तो वो हमारे गार्डन में खुद इस्तेमाल हो जाता है। ये देखिए कितनी अच्छी ब्लूमिंग है और ये कट्टे में लगा है। आज ही मैंने अपना गार्डन में जो है इसमें टेरेस पे झाड़ू लगाया, तो देखिए सारा ये भर दिया इसके अंदर। इसको भर के इस तरह छोड़ती रहती हूँ, तो फिर बाद में जो है जब अच्छी सॉइल डाल के इसी में अपने नया प्लांट हम लगाएंगे। दोस्तों बोगनवेलिया की भी मेरे पास बहुत सारी वैरायटी है। मैक्सिमम बोगनवेलिया इससे मेरे डोरमेंसी में चले गए, यानी कि उनमें मैंने जो है ब्लूमिंग एक टाइम की ले चुकी थी, तो मैंने उनकी क्रोनिंग कर दी है। मेरे प्लांट देखिए बहुत मोटे मोटे हैं आपको, पर ये जो है इस समय क्रोनिंग कर रखी है। बस ये वाला बोगनवेलिया बहुत अच्छी ब्लूमिंग कर रहा है और सब जो है ये मैक्सिमम मैंने खुद कटिंग से तैयार की हुई प्लांट है। और इसमें देखिए आप कितने, इसका साइज देखिए कितनी अच्छी है। तो इस तरीके से बोगनवेलिया की बहुत सारे प्लांट के लिए बड़े प्लांटर चाहिए होते हैं, तो उनके लिए जो इस्तेमाल किए गए हैं ये कनिस्तर का इस्तेमाल है। कनिस्तर को कलर करके रख दीजिए टेरेस पर, बहुत सुंदर लगते हैं। तो टेरेस पर जो भी मेरे परमानेंट प्लांट, जिन भी मेरे पक्के जैसे प्लांटर में लगे हुए हैं जैसे कि टिन वगैरह में, तो उनमें डोरमेंसी में गए प्लांट को भी मैंने उस प्लांटर की खूबसूरती कम ना हो इसके लिए, जैसे कि ये अलमंडा है, अलमंडा के बहुत सारे प्लांट है, तो इनमें जो है डोरमेंसी में गए हैं। और ये देखिए पेंट की बाल्टियां हैं, बहुत मजबूत होती हैं, तो इन पर जो है इस तरीके से गिलाडिया ग्रो कर दी है। गिलाडिया की बहुत प्लांट ग्रो करती हूँ मैं। गिलाडिया ऐसा प्लांट है दोस्तों, साल भर ब्लूमिंग करता है। आप देखिए कितनी कलियाँ हैं इनके अंदर, खुद ब खुद ये सीड गिराएंगे और नए प्लांट तैयार होते हैं। उन प्लांट को आपने लगाना आपकी जिम्मेदारी है, समय से उनको अच्छी सी फर्टाइल सॉइल देना और प्लांटर देना है, तभी वो प्लांट जो है चलिए देखिए कितने सारे खिल रहे हैं। ये देखिए ढेरों खिल गए हैं और ढेरों खिलने वाले हैं, तो गिलाडिया खूब खिलते हैं। ये देखिए ये लोगिलाडिया हैं और ये देखिए थोड़े से कम, ये सब जो है। इसके अलावा दोस्तों मेरे प्लास्टिक के ग्रो बैग अपने गार्डन में, प्लास्टिक के जो ग्रो बैग आते हैं मैंने ऑनलाइन लिए थे, सस्ते पड़ते हैं बहुत साल से। देखिए इस तरीके से जो मेरे बड़े प्लांटर हैं उनके साथ जो है बीच नीचे जगह पर इस तरह से रख दिए हैं, तो कितने सुंदर लग रहे हैं। ये बहुत लंबे समय से मैंने मंगाए थे, तब से चल रहे हैं बहुत अच्छे, तो कितनी तो कलियाँ आई हुई हैं। कोई प्लांट मैंने नर्सरी से नहीं ले रखे दोस्तों, सब मैंने खुद तैयार किए हुए हैं। ये देखिए तो गिलाडिया बहुत है मेरे पास। थर्माकोल के छोटे बॉक्स मिल जाए आपको, बड़े बॉक्स मिल जाए तो दीवार पर रखा हुआ है। ये बॉक्स देखिए एक दो दो और ये देखिए एक ही खिला तीन और ये देखिए कितनी कलियाँ बनी हुई हैं। इन्हीं में जो है मेरे छोटे छोटे ये देखिए सीड से नए प्लांट तैयार, इन्हीं को निकाल के मैंने इतने बड़े जो गिलाडिया के प्लांट देख रहे हैं उन्हीं से तैयार कर रखे हैं। आप देखिए ये इंटरेस्ट में ही गेंदा लगा रखा, कितने सारे गेंदा खिले हैं देखिए।
ये देखिए कितना अच्छा फ्लावर है, और इसी में देखिए लाइट कलर का, ये सब मैंने जो है ये वेस्ट मटेरियल में ही ग्रो हो रहे हैं, कोई इनमें जो है मैंने अच्छी सी फर्टाइल सॉइल वगैरह नहीं, अपने गार्डन का ही जो कूड़ा कूड़ा कचरा है उसी से बहुत अच्छी फर्टाइल सॉइल बन जाती है। दोस्तों गेंदे के अलावा जाफरी जो है ऐसा प्लांट है जो इसको ये सीजन बहुत पसंद होता है, अब जो दिसंबर लास्ट से जनवरी शुरू हो रही है इसकी कटिंग से आप बना सकते हैं, तो ढेरों बना रखे हैं प्लांट, क्योंकि जो मेरे परमानेंट प्लांट चल रहे हैं उन्हीं के साथ भी मैंने इसके प्लांट लगा रखे हैं। ये देखिए कितनी अच्छी ब्लूमिंग कर रहा है, ये जो है इसी तरीके के कट्टे में भरा हुआ प्लांट है, नीचे से मेरा कूड़ा गार्डन का ही वेस्ट है उसी के ऊपर इसका प्लांट लगाया गया है। देखिए ढेरों फूल देगा, बाद में जब ये खत्म होगा तो इसको भी हम डिकम्पोज करेंगे, इसका भी इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसने बहुत अच्छी खाद खाई है, तो इसका भी जो है पावर जो है कहीं बाहर वेस्ट नहीं होने देंगे, उसको अपने गार्डन में रीयूज करेंगे। अब देखिए इस तरीके से ये कितने सुंदर बैंगन, ये सब ऑर्गेनिक है, बैंगन दिखा दिए। अब देखिए गार्डन में आप चिली बहुत आसानी से घर पे ही अपने बीज से, और इस समय तो इसकी कटिंग भी लग जाती है चिली के प्लांट की, ये देखिए ढेर उड़ाई हुई हैं कितनी सारी, ये देखिए। तो ये जो है इस तरीके के बैग ये सिर्फ वेस्ट मटेरियल है, कोई भी इसमें हमने अच्छी सी ना अच्छा प्लांटर है ना अच्छी सॉइल है, अपने ही गार्डन के वेस्ट से ज़बरदस्त सॉइल बनी हुई है। बैगन, मिर्च, टमाटर, धनिया, ये सब चीज़ें आप आसानी से जो है इस तरीके के बैग जो होते हैं, धनिया के लिए तो और भी ज़्यादा ऐसा गहरा पॉट नहीं चाहिए होता, ये जो है हमारे आशीर्वाद के आटे की थैलियाँ, देखिए इनमें टमाटर के प्लांट देखिए कितने हेल्दी लग रहे हैं सब, मैं जो है नीचे तो मेरे जो है फल भी आने लग गए हैं अभी टेरिस पर, जो है ये छोटे छोटे प्लांट कुछ दिन पहले लगा रखे हैं, तो कितनी तेज़ी से ज़बरदस्त ब्लूमिंग कर रहे हैं, देखिए फ्लावर्स आ गए हैं तो कुछ दिन में ही फल भी परिवर्तित हो जाएंगे। मैं आपको अपने एनुअल क्राइसेंथम दिखाऊंगा। एनुअल क्राइसेंथम दोस्तों ऐसा प्लांट है जो सीड और कटिंग दोनों से तैयार होता है, इसकी इस समय कटिंग लगती है, और इसके सीड जो होते हैं अगस्त सितंबर के समय ग्रो किए जाते हैं, और इसके ढेरों ऐसे प्लांट तैयार होते हैं जो आपके विंटर गार्डन को बहुत सारी जो है इंसेक्ट के लिए तो अच्छे होते ही हैं, और उसके अलावा जो भी आपने सब्जियाँ लगा रखी उसमें पॉल्यूशन के लिए बढ़िया होते हैं, क्योंकि इनके अट्रैक्टिव कलर होते हैं और बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं, तो ये जो है येलो कलर और जो है इस तरह कलर दिखते हैं, ये देखिए इसमें भी कितना सुंदर बीच में येलो है, और देखिए खुद आपके सामने देखो इस तरीके से चलता है, इनमें बहुत सुंदर जो है इंसेक्ट आके बैठते हैं, देखिए कितने प्यारे प्यारे, ये मैंने खुद तैयार किए हुए हैं, और ढेरों इसके प्लांट मैं तैयार करती हूँ, एक बार कभी ले आई थी तब से जो है इसकी सीड संभालती हूँ अगस्त सितंबर, और इस समय इसकी कटिंग ग्रो करती रहती हूँ, तो जो भी मेरे परमानेंट प्लांट हैं डोरमेंसी में उनकी जो पॉट में जगह है उसी जगह का मैंने इस्तेमाल करके इसके भी प्लांट लगा रखे हैं, इसके अलावा अलग से भी प्लांट लगा रखे हैं। ये देखिए ये जो है पेंट की बाल्टी, इनमें जो है आप लेमन वगैरह के जो बड़े प्लांट होते हैं वो भी लगा सकते हैं, ये देखिए लेमन भी आने लग गए हैं। दोस्तों मैं अब आपको अपने आज देखिए अभी तो मैं तैयारी कर रही हूँ ये आने वाले सीजन की तैयारी, कुछ जनवरी के बाद हाफ जनवरी के बाद जो होती है इनमें जो है ब्लूमिंग शुरू हो जाएगी, ये मैंने खुद घर में ही तैयार कर रखे हैं, ये जो है हमारे फ्लॉक्स के प्लांट हैं, और फ्लॉक्स के प्लांट देखिए एस्टर के, ये छोटी सी सैपलिंग मेरे पास मेरी भतीजी लेके आई थी, और ये गजानिया है, और देखिए ये देखिए डहेलिया है, ये खुद घर में देखिए कितने हेल्दी हेल्दी, क्योंकि टेरेस में बहुत अच्छी धूप रहती है, और इस तरह के पॉलीबैग नर्सरी के पॉलीबैग कोई खरीदे नहीं है, जो हम नर्सरी से कभी प्लांट लाए होते हैं उनके पॉलीबैग में मैं फेंकना पसंद नहीं करती हूँ। और ये देखिए टब है, टब पर आप जो है इस तरह का टब आपका टूटता है तो उसमें धनिया है, पुदीना है, इस तरह की सब्जियाँ आप ग्रो कर सकते हैं, उसके अलावा अपने छोटे छोटे सैपलिंग को जो है रेडी कर सकते हैं। यहाँ मेरे आइस प्लांट एस्टर, और इसके अलावा एस्टर और जो है ये गजानिया की सैपलिंग ग्रो हो रही है, क्योंकि अच्छी धूप और जो है यहाँ पर इनको मॉइस्चर सनलाइट सब मिल रहा है। और ये देखिए ये है ये इस तरह के बैग, देखिए कितना बेकार सा है ये, जबकि इसमें मेरा प्लांट तैयार हो जाएगा तो वो बहुत कीमती होगा मेरे लिए। ये है लालटेन गुड़हल, जो छोटे छोटे लालटेन गुड़हल होता है वो बहुत सुंदर वैरायटी होती है, नर्सरी बहुत महंगा प्लांट, जितनी भी कटिंग लगाई थी निकली थी मैंने ऊपर से सारी ग्रो कर दी इसके अंदर। ये देखिए ये देसी रोज है, ये भी मेरे कटिंग से ही तैयार प्लांट है। और ये देखिए ये है कॉर्ड सेंटर का प्लांट, कुछ दिनों में देखिए इसमें बड्स बनने लग गई हैं, ये भी ब्लूम पर आ जाएगा। और ये जो है ये है चाइनीज ऑरेंज का प्लांट, ये भी जो है बहुत अच्छे, इसमें देखिए छोटे छोटे चाइनीज ऑरेंज भी खूब आ रहे हैं। ये देखिए पंचमुखी गुड़हल कहते हैं इनको, तो इनको भी धूप चाहिए, धूप से मिलेगी तभी प्लांट में जो है अच्छी ब्लूमिंग है, टेरेस में बहुत अच्छी धूप है तो ये जो प्लांट सब ब्लूमिंग कर रहे हैं इस समय। एक बेकार सी बाल्टी थी, देखिए कलर कर देती हूँ, कलर करके बाल्टियाँ कितनी अच्छी लग रही है, इसी पर देखिए कितना भरा हुआ है पूरा, और नीचे वेस्ट है, और मिर्च देखिए आप कितनी सारी मिर्चें हैं इसके अंदर। और ये देखिए ये मेरा वही गिलाडिया की प्लांट वैरायटी, कुछ दिनों के बाद ये भी फूलों से भर जाएगा। ये देखिए ये पॉलीबैग जैसे ही फटेंगे फिर हटाएंगे हम इनको, और देखिए ये पिटोनिया खुद तैयार है और ऊपर से मिर्च तैयार चल रही है।
ये देखिए सनफ्लावर के प्लांट, ये जो आने वाले सीजन की तैयारी। और इसी तरह जेट्रोपा का प्लांट था तो किसी क्रोनिंग करी तो इसी में मैंने कटिंग लगा दी, तो देखिए फ्लो फ्लावर पर आ गई है। कुछ दिनों के बाद दोस्तों ये मेरे कैलेंडुला भी खिलने वाले, ये सीड से तैयार कर रखे हैं, तीन तीन प्लांट एक साथ लगा रखे, जब ज़्यादा प्लांट हो जाते हैं इस तरह से लगाना पड़ता है फिर। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप भी अपने किचन का वेस्ट, अपने घर का वेस्ट और जो भी चीज़ हो सकती है बाहर फेंकने से पहले एक बार सोचिए। बहुत कुछ तरीके से आप जो है फ्री में गार्डनिंग कर सकते हैं और फ्री में आपके प्लांट और प्लांटर भी रेडी हो सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए। नए साल में आप इस तरह का रेजोल्यूशन लीजिए, सोचिए कि कुछ ना कुछ आप भी अपने गार्डन में, अपने घर में, भले आप एक छोटे से उस कहीं पर किराए में भी रहते हैं तो वहाँ भी कुछ ना कुछ आप का चाय पत्ती तो जरूर अपने गार्डन में, केले के छिलके हैं उसका छोटे से किसी भी प्लांट, रोज का प्लांट भी लगाते हैं उसकी मिट्टी में मिला दीजिए, मिट्टी बहुत पोरस होगी और बहुत ही फर्टाइल बन जाएगी। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसी रोज की तरह आप भी नए साल में हंसते मुस्कुराते रहे, यही मेरी उम्मीद है। फिर मिलते किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।